हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी, यहाँ पे मैं सुबह सुबह की आप लोगों के साथ गुड मॉर्निंग की रूटीन शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ और मेरे पूजा भी, ये मैंने कल पूजा कर रखी थी तो उसके सभी चावल जल सब यहाँ पे रखे थे। रात में नहीं उठाना था तो सुबह उठाना था इनका, तो अभी मैं इन सबको उठा रही हूँ। क्योंकि जब तक इनको उठाऊँगी नहीं तब तक यहाँ पर झाड़ू पोछा नहीं हो पाएगा, क्योंकि नीचे मैंने पट्टा लगा रखा था। तो यहाँ पर मैं अपने सारे चावल इकट्ठा कर ली हूँ, जो मूर्तियाँ मैंने इस पर रखी थी, जो फोटो वगैरह रखे थे, उन सबको भी उठा ले रही हूँ। और उसके बाद अभी इस चावल को और इस जल को मैं ले जाऊँगी छत पे, क्योंकि इसको तुलसी माँ को ही चढ़ाया जाता है और किसी को नहीं चढ़ाया जाता। तो हम मैंने कहा कि चलो इनको सबसे पहले उठा लेते हैं। और हमने भिगा रखे हैं चने, तो यहाँ से पूजा पाठ करके निपटेंगे, उसके बाद हम चलेंगे रसोई में। रसोई में देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम छत पर चढ़ा के जा रहे हैं, चढ़ाने छत पर, और वहाँ से आएंगे तो हम अपने मंदिर में पूजा करेंगे, क्योंकि अभी हमने मंदिर में भी पूजा नहीं की थी और मंदिर के बर्तन वगैरह भी जूठे थे। तो यहाँ पर हमने मंदिर में पूजा कर ली, अभी हम आ गए किचन में। तो किचन में हम लगा रहे हैं छौंका, छौंका है चने का। और यहाँ पे हमने लहसुन, मिर्ची, प्याज डाल दिया है। और एक साइड हम तैयारी कर रहे हैं सांभर बनाने का। तो यहाँ पे हम लौकी, बैंगन और भिंडी डालेंगे सांभर में, मुझे बस इतना ही अच्छा लगता है। और आज हम बना रहे हैं इडली सांभर चटनी। तो हमने इडली सांभर चटनी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि हमने पिछली वाली वीडियो में शेयर किया था। कोई नई रेसिपी तो है नहीं, तो हमने सोचा क्या शेयर करें आप लोगों के साथ। तो चना और चाय हमारी तैयार हो गई थी, उसके बाद हमने खाना भी तैयार कर लिया है। और इतनी सारी इडली हमारी बच गई तो इनको रख देते हैं। उसके बाद हमने कर लिए किचन की क्लीनिंग एकदम फर्स्ट क्लास, बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए हैं मेरे। और ये हमने सुबह कपड़े धुल के डाले थे, तो इन सबको भी हटा लेती हूँ क्योंकि सब सूख गए हैं। और ये मैंने बहुत सारी साड़ियाँ अपनी धुल के रखी, तो मैं कहीं भी एक बार पहन के जाती हूँ ना तो नहीं धुलती हूँ, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत खारा है और इनसे सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं डेली डेली धुलने से। तो इसीलिए मैं एक दिन में नहीं धुलती हूँ। और अभी जब से मशीन आई है तो एक दो कपड़े के लिए मशीन भी नहीं लगाती हूँ, जब काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं तभी लगाती हूँ। और यहाँ पे मैंने बहुत सारी साड़ियाँ अपनी, 4-5 साड़ी है मेरी, तो उनको मैंने धुल लिया है। और उसके बाद अभी ये नाइट का है मेरा, तो एक भैया आए थे हमारे घर पर तो उनका भी खाना हो गया है और बज रहे हैं घड़ी में 9:30, तो वो अभी जा रहे हैं मेरे हस्बैंड भैया जी को ले जा रहे हैं स्टेशन छोड़ने, क्योंकि उनकी 10 बजे की ट्रेन है गाज़ियाबाद से, तो उनको छोड़कर आएंगे। इन दोनों का खाना हो गया और अभी हम दोनों खाना खाएंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी आप लोगों से थोड़ा बात करने। तो मैं अपने पीछे जो मैंने बात की थी आप लोगों से, वो वॉइस ओवर मैंने बंद कर दी थी, क्योंकि मुझे इतनी ज़ोर से गुस्सा लगी थी ना कि मैंने बहुत कुछ बोल दिया था। तो इसीलिए मैं अभी फिर से आप लोगों से वॉइस ओवर करके बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि घड़ी में बजने वाले हैं 10:10, बजने में 10 मिनट बाकी है। और उसके बाद जो है भैया आए थे, उनका खाना पीना हो गया, वो चले गए हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि बहुत दिन से मैं परेशान हूँ। एक लोग हैं मेरी एलबी में भी आते हैं और मेरे कमेंट में भी आते हैं, तो एक दिन मुझे बोल रहे थे कि आप जो है लिपा पोती नहीं करती, मतलब मेकअप वगैरह नहीं करती। तो उन्होंने लिपा पोती लिखा था कि आप मेकअप वगैरह नहीं करती, ऐसे हमेशा पता नहीं कैसे रहती हैं। तो मतलब मेकअप वगैरह क्या करना है, बिंदी, सिंदूर, ये सब मैं लगा ही रहती हूँ, मुझे ज़्यादा मेकअप करना अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन अब उनको ऐसा ही लगा तो मैं उनको क्या बता सकती हूँ। इसलिए मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, उनकी इस कमेंट को तो मैंने इग्नोर कर दिया था। लेकिन फिर कल उन्होंने एक कमेंट किया था कि आप 50 रुपये में एकदम अच्छा सा मेकअप करके दिखाइए, जैसे गाँव की गंवारा औरतें करती हैं। तो मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि भैया गांव की गंवारा औरतें आज के डेट में 50 रुपये का मेकअप नहीं करती हैं, ठीक है। 50 रुपये का सिर्फ वो फेस वॉश लगाती हैं जो एकदम नॉर्मल सा होता है। और आपने गांव को गंवार कैसे कह दिया, गांव बिल्कुल गंवार नहीं आज के डेट में। गांव ना शहर से भी ज़्यादा एडवांस है, गाँव में बहुत सारे एडवांस लोग रहने लगे हैं, शहर पीछे हो जाएगा गाँव के हालात से, ठीक है। तो इसीलिए हमने मतलब बहुत मुझे अजीब सा गुस्सा लगा था, तो मैंने अपनी वॉइस की थी। लेकिन अभी मैंने बहुत सोचा विचारा, फिर मैंने कहा चलो पीछे से वॉइस ओवर करते हैं। तो यही मैं उनको समझा रही थी कि भैया प्लीज़ आप ऐसा कमेंट मत किया करिए। और मैं भी गांव से ही हूँ, मुझे तो गांव, सच बोल रही हूँ, मैं इतना अच्छा लगता है मुझे गांव। जब भी मैं अपने ससुराल जाती हूँ ना, मैं अपने मायके नहीं जाती, मैं अपने मायके जाने के लिए बस एक दिन के लिए जाती हूँ, मुझे अपने ससुराल में बहुत अच्छा लगता है। जबकि लोग कहते हैं ना कि भव्य ससुराल के लिए भागती हैं, लेकिन मैं कभी अपने ससुराल से मायके के लिए नहीं तैयार होती हूँ। मुझे अपने ससुराल में भी अच्छा लगता है, मुझे अपने मायके में भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे गाँव बहुत अच्छा लगता है। और आपको बता दूं कि गांव में अब कोई गंवार नहीं, और आपके 50 रुपये के मेकअप के लिए तो मुझे 50 रुपये की शॉपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास 50 रुपये का ऐसा कोई भी सामान नहीं है जिससे मैं आपको मेकअप करके दिखा सकूं। तो आपके लिए मैं जाऊंगी शॉपिंग करूंगी और फिर लेके आऊंगी, तो मैं आपकी ये रिक्वेस्टेड वीडियो ज़रूर बना के आपको दिखाऊंगी 50 रुपये में। और दूसरा मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी नहीं खुश हूँ। मतलब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि
इस वाइटी पे हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक रिश्ता है, वो है इंसानियत का। ठीक है, आप मेरे व्यूवर्स हैं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, आपका बहुत बड़ा सहयोग है हम लोगों के साथ में, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोगों का कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सपोर्ट करने का ये मतलब नहीं है कि आप लोग कुछ भी कमेंट कर दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, तो एक भाई हैं हमारी, एक सिस्टर हैं, जो अभी उनका चैनल मोनो भी हो गया है और कल्पना नाम है सिस्टर का। तो उनके चैनल पे एक लोग लिखते थे कि प्लीज़ नंबर दो, नंबर दो। तो उन्होंने वीडियो बनाई थी लेकिन हमने देखा नहीं। तो जब कल हमारी उनकी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा भी था कि हमने इस बात पे वीडियो बनाई थी लेकिन शायद आपने देखा नहीं। तो हाँ, हमने उनको नहीं देखा। और एक भाई हैं जो मेरी एलबी में भी आते हैं, बेमतलब भाभी भाभी करके परेशान करते हैं और कमेंट में भी मुझे भाभी जी लिखते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, आज की वीडियो स्पेशल मैं उनके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी, भाई जी हमारा आपका सिर्फ एक रिश्ता है, वो है इंसानियत का, और दूसरा हम आपको हमेशा भाई जी बोलते हैं, तो आप हमें सिस्टर बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे भाभी जी प्लीज़ मत बोला करिए, मुझे भाभी जी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हमारा यहाँ आपका कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है हमारा आपका। ठीक है, सिर्फ एक रिलेशन है, वो है इंसानियत का। तो आप अगर आप उसके नाते हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत करिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूँ, आप मेरे ब्लॉग में मत आया करिए, मुझे कोई कमेंट की मत किया करिए। आप एक बार व्यूज नहीं देंगे, एक व्यूज आपसे मुझसे नहीं मिलेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके हिस्से का भगवान मेरे लिए किसी न किसी को बना देंगे, तो आप प्लीज़ मत आया करिए। अगर आप आते हैं तो आज के बाद मुझे भाभी मत लिखा करिए, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा होती है ऐसी बातों से। मेरा आपका भाभी वाला रिश्ता कोई नहीं है। ठीक है, मैं आपको भाई जी बोलती हूँ, आप सिस्टर लिखिए, बहन लिखिए, दीदी लिखिए, आंटी लिख दीजिए, वो भी मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे जो है भाभी वाभी मत लिखा करिए। ठीक है, और सबसे बड़ी तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि अगर आपके पास कोई रिश्ता नहीं है तो आप सबसे बड़ा इंसानियत का रिश्ता समझते ही होंगे। इंसानियत के रिश्ते से बड़ा किसी भी रिश्ते को नाम नहीं दिया जा सकता है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही है, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा लगी हुई थी, तो मैंने जब वीडियो अपलोड कर रही थी तभी मैंने बहुत कुछ बोल दिया था। तो अभी मैं पीछे से वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ, आप लोग ऐसे गंदे कमेंट मत किया करिए, क्योंकि जानते हैं हम लोग पढ़ने के बाद में ना 10 गालियां देते हैं आपको। यही मन करता है कि जब आप हमारे सामने पढ़ जाए ना तो हम आपको चप्पल निकाल के मारें। ठीक है, और बहुत गुस्सा लगती है, लेकिन अब वही होता है कि क्या कर सकते हैं। तो चलिए, लेकिन जहां तक हो सकता है मन ही मन कम से कम 1000 गालियां तो पड़ी जाती हैं आपके ऊपर, और आप लोग हैं बेशरम, एकदम बात कहने से मानते नहीं हैं। तो आप लोगों को सुधारने का कोई वो नहीं है और ना ही आप लोग सुधरेंगे, बस एक ही है कि आप लोग अपनी बेशर्मी पर उतारू रहते हैं। तो बस इतना ही हम कहना चाहेंगे, और आप अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म होगी, थोड़ी सी भी इज्जत होगी, तो प्लीज़ आप दोबारा मुझे भाभी मत लिखिएगा और मुझे भाभी नाम से कोई कमेंट मत करिएगा। ठीक है, अगर आपका मन करेगा तो मेरे व्यूज़, मेरे ब्लॉग में आप आइएगा, मेरे ब्लॉग को देखिएगा, व्यूज़ का व्यूवर्स बनेंगे मेरे, नहीं आएंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक के आने से मुझे कोई ना तो खुशी मिलती है, ना ही आपके जाने से मुझे कोई गम है। आप एक नहीं, अगर 10 लोग भी ऐसे हो ना तो 10 भी ना आए तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इज्जत से बढ़ के इंसान के लिए कोई भी कीमत नहीं होती है, सबसे बड़ी होती है इंसान की इज्जत। तो आपको हम इतना बता दे रहे हैं कि आप ऐसी बातें हमारे ब्लॉग पे आके मत लिखा करिए। और रही बात आपने जो कमेंट किया कि आप मेकअप करके दिखाइए, तो हम मेकअप करके दिखाएंगे, रेसिपी बोलेंगे आप, तो हम रेसिपी भी शेयर करेंगे, क्लीनिंग बोलेंगे, क्लीनिंग शेयर करेंगे आप, मतलब ब्लॉग चैनल के हिसाब से कुछ भी बोलेंगे तो मैं वो आपको शेयर करके दिखाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगी, क्योंकि हम लोगों ने चैनल भी इसीलिए बना रखा है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि हम भाभी बोलें, मेकअप करके दिखाओ, आप कैसी लगती हैं, आप मेकअप नहीं करती हैं, तो मेरी आप मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। ठीक है, हम मेकअप करते हैं नहीं करते हैं, हमको मेकअप करना आता है नहीं आता है, इसमें आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप मेरे पर्सनल लाइफ में परेशान हो। तो आज के लिए हम आपसे बस इतना ही कहेंगे, आगे अगर आप समझदार होंगे तो मेरी इतनी सी ही बात को समझ जाएंगे, नहीं तो अगर आपके अंदर दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं होगी तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। और चलिए, आज का ब्लॉग बस यहीं तक है। अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। मैं हर ब्लॉग में आप लोगों से यही एक बात कहती हूँ कि ब्लॉग पसंद आया होगा तो अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, ब्लॉग लाइक करिएगा, अपने मेरे चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि बस इतना ही हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी हम आपसे कुछ नहीं कहना चाहते, और आप लोग भी हमसे ऐसी कोई बात मत कहा करिए, क्योंकि हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा।